मंदिर निर्माण किए जाने की वजह से तालपुरी बी ब्लॉक के रहवासियों को हाउसिंग बोर्ड से नोटिस मिला है। नोटिस मिलने से लोगों में आक्रोश है। रहवासियों का कहना है कि वर्षों से स्थान उपेक्षित पड़ा था, इसका उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाता था, जिसे देखते हुए कॉलोनी वासियों की सहमति से मंदिर निर्माण कार्य शुरू कराया गया, जो अब पूर्ण होने की कगार पर है। इसी बीच हाउसिंग बोर्ड द्वारा मंदिर निर्माण को अवैध करार देते हुए उन्हें कार्य बंद कराने का नोटिस जारी किया गया है, जो पूर्णतया अनुचित है। तालपुरी बी ब्लॉक के अध्यक्ष यमलेश देवांगन अमनदीप सोढ़ी ने मंदिर निर्माण और हाउसिंग बोर्ड से मिले नोटिस को लेकर ग्रैंड एशिया न्यूज से खास चर्चा की और हर हाल में मंदिर निर्माण पूर्ण करने की बातें कही। हम इस वक्त मौजूद हैं तालपुरी बी ब्लॉक में, क्योंकि ये हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित कॉलोनी में है। कॉलोनी का ये परिक्षेत्र है। अभी इसे स्थानीय निवासियों द्वारा हाल ही में कहा जाए कुछ वहाँ पूर्व यहाँ पे एक शिव मंदिर का निर्माण कार्य को शुरू किया गया था, जो जिसकी अब ढलाई भी लगभग पूरी हो चुकी है। और इस दौरान अभी आजकल में ही जो स्थानीय रहवासी और तो उन लोगों को हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि आप लोग इस निर्माण से पृथक होइए, और नहीं तो आपका को हमारे साथ मौजूद है तालपुरी बी ब्लॉक के कुछ रहवासी, जिनमें से आइए सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं यमलेश देवांगन जी, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। यमलेश जी, सर्वप्रथम आपसे सवाल है कि क्योंकि आप लोगों द्वारा यहाँ मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, ये जगह काफ़ी वीरान थी, यहाँ पे कोई झांकने नहीं आता था, तो आप लोगों ने पहल करके इसे शुरू किया है, तो अभी आप लोगों को क्या परेशानी हो रही मुझे थोड़ा सा विस्तार में बताइए। ये जो अभी स्थान है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे मंदिर निर्माण हो रहा है, शिवलिंग की स्थापना हो रही है, शिवलिंग का निर्माण चल रहा है मंदिर का, ये पहले पूरा झाड़ी पहाड़ी टाइप का पूरा भरा पड़ा था, एकदम कचरा था। यहाँ पे लोग आके और कचरा डंप करते थे, हाउसिंग बोर्ड वाले भी डंप करते थे। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार हाउसिंग बोर्ड को बोला कि जगह का साफ सुथरा कराइए, बाजू में जूही कॉम्प्लेक्स है, उन लोगों को परेशानी होती है, यहाँ से बदबू आता है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जब इसको हम लोगों ने साफ सफाई करा के कॉलोनी में पूरा मीटिंग करके एक मंदिर कॉलोनी में, क्योंकि मंदिर भी नहीं बनाया गया, ये हाउसिंग बोर्ड का भी काम था कि इतने बड़े हमारी कॉलोनी में 3800 यूनिट है घर, 3800 यूनिट के लिए किसी प्रकार का कोई मंदिर का प्रोविजन नहीं दिया गया था, जबकि बाकी सभी अपना छत्तीसगढ़ हो इंडिया हो कहीं भी हो, सभी जगह इतने बड़ी जब कॉलोनी बनती है तो एक मंदिर का प्रोविजन रहता ही है। हमारे यहाँ मंदिर का प्रोविजन नहीं दिया जाता, हम लोग पूरे कॉलोनी वाले मिलकर एक मीटिंग किए और एक मंदिर के लिए हम लोग शुरू कराए थे। चूंकि आपका कहना कि कॉलोनी आप लोगों द्वारा चर्चा की गई, उसके बाद मीटिंग का निर्माण ये मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया गया, तो आप लोगों ने ऐसी कोई पहल नहीं की इस मामले से हाउसिंग बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया जा सके? नहीं, इस बारे में तो हम लोगों को नहीं बोला गया था, लेकिन उन लोगों को इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि पहले भी हम लोगों को एक बार फरवरी में जब हम लोग हमारे एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा मंदिर के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा जो शिवलिंग की स्थापना हुआ था, ये इसी साल के फरवरी में महाशिवरात्रि के दिन स्थापना हुआ। महाशिवरात्रि के दिन हम लोगों ने पूरे कॉलोनी वासी यहाँ पे आके अच्छा भव्य समारोह में इसकी स्थापना हुई थी फरवरी में। उसके फरवरी से पहले इन लोगों ने एक बार नोटिस जारी किया था कि ये मंदिर निर्माण को रुकवाया जाए। उसके बाद में अभी 10 महीना हो चुका है, 10 महीने तक का किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं और कुछ भी नहीं बोला गया। ये हमारे यहाँ जो मंदिर बन रहा है इसमें पूरे कॉलोनी वासी पूरा कॉलोनी के दिन स्थापना हुआ। महाशिवरात्रि के दिन हम लोगों ने पूरे कॉलोनी वासी यहाँ पे आके अच्छा भव्य समारोह में इसकी स्थापना हुई थी फरवरी में। उसके फरवरी से पहले इन लोगों ने एक बार नोटिस जारी किया था कि ये मंदिर निर्माण को रुकवाया जाए। उसके बाद में अभी 10 महीना हो चुका है, 10 महीने तक का किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं और कुछ भी नहीं बोला गया। ये हमारे यहाँ जो मंदिर बन रहा है इसमें पूरे कॉलोनी वासियों का सहयोग मिला है, और एक जो मतलब अविवेकपूर्ण जो इन लोगों ने जो लेटर भेजा है हाउसिंग बोर्ड के सहायक अभियंता ने, उसने लिखा है कि जिसने मंदिर के निर्माण में सहयोग राशि दिया है, दान दिया है, उनके घर का रजिस्ट्री कैंसिल कर दिया जाएगा। ये पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं होता होगा, या शायद पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दे रहा है और उसके घर की रजिस्ट्रेशन का कैंसिल कर देने की धमकी दिया जा रहा है। ये अविवेकपूर्ण है कि मूर्खतापूर्ण है, ये वही सहायक अभियंता ही बताएंगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। इसमें मंदिर की स्थापना करते करते हम लोग ये जरी मई में भवन निर्माण शुरू किए थे, फरवरी में हमारा चबूतरा बन गया था, मई में हम लोगों ने भवन का निर्माण शुरू कराया था। अभी हमारा पूरा छत ढलाई हो चुका है, प्लास्टर हो चुका है, नीचे में कंक्रीटिंग का काम हो चुका है, अभी हमारा शिखर निर्माण शुरू होने वाला है, कल से अपना शिखर निर्माण भी शुरू होगा। 10 महीने में हम लोगों ने इसमें 15 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट कर दिया है। हाउसिंग बोर्ड को चाहिए कि वो खुद ही, क्योंकि मंदिर निर्माण में कुछ सहयोग नहीं किया है, हाउसिंग बोर्ड को चाहिए कि खुद यहाँ पे आके कुछ पैसा डोनेट करे और मंदिर निर्माण में हमको सहयोग करे कि मंदिर आप लोग बनाइए, हमारा काम अधूरा छोड़ दिए थे। कॉलोनी में जिस समय भी कोर्ट का भी ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर में भी उन लोगों को कोर्ट ने भी बोला गया था कि यहाँ जो आपका गार्डन का डेवलपमेंट है, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, क्लब हाउस के आसपास
उसमें लाइटिंग है, पाथवे में लाइट है, सब पूरा कराओ। एक भी काम को कुछ नहीं किया और पूरा छोड़ के चले गया। सड़क उड़क की पूरा जर्जर स्थिति हो गया, पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है, लेकिन उसने नगर निगम को हैंड ओवर करके हाथ झाड़ दिया। अब वो चाहते हैं कि जितना जो खाली जमीन है उसको बेचना शुरू करें। इसकी शुरुआत भी हो चुकी, ए ब्लॉक में 8 प्लाट काट के बेच दिया गया। पहले ये जो ज़मीन था ये यहाँ से गवर्नमेंट के जो टाउन एंड प्लानिंग में जो हमारे पास में मैप भी है उसमें MR रोड बनना था। शासन ने अभी पिछले कुछ वर्ष पहले MR रोड को भी कैंसिल कर दिया। अब ये ज़मीन ना ही रेसिडेंशियल में आता है ना ही कमर्शियल में आता है, ये शून्य ज़मीन है। मतलब ये कॉलोनी वासियों का ज़मीन है, क्योंकि ये जितने कॉलोनी में जितना बड़ा एरिया है सभी को इक्वली, पूरा जो रेसिडेंट्स है सबका इक्वली बांट के पूरा पैसा ले लिया गया, इंक्लूडिंग घर और ज़मीन का, क्लब हाउस का, सभी चीज़ का पैसा लिया गया। तो ये हाउसिंग बोर्ड का कोई अधिकारी नहीं इस पर ज़मीन पर, और ये शून्य ज़मीन है, ना उसका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में ना रेजिडेंशियल है ना कमर्शियल है, और शून्य ज़मीन पे बनाया जा रहा है। और उसको चाहिए, हाउसिंग बोर्ड को चाहिए कि वो खुद आके हमको सहयोग करे। और हमारी एक मांग है कि जिस AE ने ये ऑर्डर निकाला है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। क्योंकि ये अब देखा जाए तो मंदिर का निर्माण लगभग 70% से ज़्यादा हो चुका है, ढलाई वगैरह सब पूर्ण हो चुकी है। इस स्थिति में अभी ये नोटिस को जो भेजा गया है इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं, और इसके पश्चात आप लोगों द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी हम लोग देखते हैं। हम लोग एक भी काम को कुछ नहीं किया और पूरा छोड़ के चले गया। सड़क उड़क की पूरा जर्जर स्थिति हो गया, पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है, लेकिन उसने नगर निगम को हैंडओवर करके हाथ झाड़ दिया। अब वो चाहते हैं कि जितना जो खाली ज़मीन है उसको बेचना शुरू करें। इसकी शुरुआत भी हो चुकी, ए ब्लॉक में 8 प्लाट काट के बेच दिया गया। पहले ये जो ज़मीन था ये यहाँ से गवर्नमेंट के जो टाउन एंड प्लानिंग में जो हमारे पास में मैप भी है उसमें MR रोड बनना था। शासन ने अभी पिछले कुछ वर्ष पहले MR रोड को भी कैंसिल कर दिया। अब ये ज़मीन ना ही रेसिडेंशियल में आता है ना ही कमर्शियल में आता है, ये शून्य ज़मीन है। मतलब ये कॉलोनी वासियों का ज़मीन है, क्योंकि ये जितने कॉलोनी में जितना बड़ा एरिया है सभी को इक्वली, पूरा जो रेसिडेंट्स है सबका इक्वली बांट के पूरा पैसा ले लिया गया, इंक्लूडिंग घर और ज़मीन का, क्लब हाउस का, सभी चीज़ का पैसा लिया गया। तो ये हाउसिंग बोर्ड का कोई अधिकारी नहीं इस पर ज़मीन पर, और ये शून्य ज़मीन है, ना उसका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में ना रेजिडेंशियल है ना कमर्शियल है, और शून्य ज़मीन पे बनाया जा रहा है। और उसको चाहिए, हाउसिंग बोर्ड को चाहिए कि वो खुद आके हमको सहयोग करे। और हमारी एक मांग है कि जिस AE ने ये ऑर्डर निकाला है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। क्योंकि ये अब देखा जाए तो मंदिर का निर्माण लगभग 70% से ज़्यादा हो चुका है, ढलाई वगैरह सब पूर्ण हो चुकी है। इस स्थिति में अभी ये नोटिस को जो भेजा गया है इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं, और इसके पश्चात आप लोगों द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले बोलेंगे, कल हम लोग मंत्री जी से मिलेंगे, गृह मंत्री ताम्रध्वज माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी से कल मिलेंगे। ताम्रध्वज साहू जी से मिलने के बाद में अपनी बात को रखेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, उससे भी अपनी बात रखेंगे कि मंदिर निर्माण में लोग बाधा डाल रहे हैं, और ये बहुत ही मतलब हम बोल नहीं सकते इसके बारे में कि कैसे उन लोग क्या मेंटेलिटी लेके चल रहे हैं। उन लोगों का सिर्फ एक ही दिया है कि उसका ज़मीन पे हम लोग बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। जबकि यहाँ हाउस अपना जो कॉलोनी ए ब्लॉक और बी ब्लॉक है इसमें किसी भी ज़मीन का अधिकार हाउसिंग बोर्ड का नहीं रहा। क्योंकि आप जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ कुछ समस्याएं भी ऐसी विद्यमान हैं जिन्हें आप लोगों की मांग के बावजूद भी नज़रअंदाज किया जा रहा, पूरी नहीं किया जा रहा, तो आप उनमें से कौन सी समस्या को पहली प्राथमिकता देते हैं कि इसका जो कार्य पूर्व में हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो सका? वो मेन गार्डन डेवलपमेंट का, हमारे यहाँ तीन बड़े गार्डन हैं, बी ब्लॉक का ही बता रहे हैं, ए ब्लॉक का अलग है। तीन बी ब्लॉक में ही तीन बड़े गार्डन हैं और छोटे छोटे भी चार गार्डन हैं। उसमें से भी किसी भी गार्डन में कुछ नहीं किया गया, पूरा भी घास जमीन तक पड़ा और पूरा बंजर है, पूरे झाड़ियाँ उगाई हैं। छोटे छोटे सेक्टरों में भी आजकल पूरा नगर निगम या सरकार के द्वारा सभी टाइप का डेवलपमेंट का विकास का काम कराया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कॉलोनी में जिसको हम लोग लगभग हमारे बाजू के कॉलोनी से 1.5 गुना अधिक रेट में लिए हैं, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं गया, सिर्फ पैसा लूट के बैठ गया हाउसिंग बोर्ड। क्योंकि इनका कहना है कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों द्वारा लगातार इस स्थान को उपेक्षित छोड़ दिया गया था, और उसके बाद जब यहाँ पे एक अच्छी पहल की जा रही है मंदिर निर्माण की जिसमें सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसे देखते हुए हाउसिंग बोर्ड द्वारा पहल करते हुए इसे कहा जाए सिर्फ पैसा लूट के बैठ गया हाउसिंग बोर्ड। क्योंकि इनका कहना है कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों द्वारा लगातार इस स्थान को उपेक्षित छोड़ दिया गया था, और उसके बाद जब यहाँ पे एक अच्छी पहल की जा रही है मंदिर निर्माण की जिसमें सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसे देखते हुए हाउसिंग बोर्ड द्वारा पहल करते हुए इसे कहा जाए एक प्रकार से लोगों को परेशान करते हुए उस पर निर्माण कार्य में अनाधिकृत रूप से व्यवधान पहुंचाया जा रहा है, लोगों को नोटिस दी जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। अमनदीप सिंह जी, पहले आप ये चीज़ बताइए, क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी दिनों से उपेक्षित था, तो इस क्षेत्र में किसी गार्डन निर्माण अन्यथा किसी ऐसी चीज़ की मांग आप लोगों द्वारा क्यों नहीं की गई? लगातार हाउसिंग बोर्ड को सूचना दी जा रही थी
कि हमें गार्डन व्यवस्थित चाहिए और पीछे जूही कॉम्प्लेक्स के पीछे में जो इतनी बड़ी जगह है वहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर थे, जंगल झाड़ी था, उसको साफ़ सुथरा कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कचरा डंप किया जाता था। पर उसके बाद भी हमारी बातों को हाउसिंग बोर्ड ने नज़रअंदाज किया, तब जाके फिर हम लोगों ने ये पहल शुरू की और हमने मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। क्योंकि अभी जैसा नोटिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है जो इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं मंदिर निर्माण को लेके, नोटिस जारी होने के भय से कहीं उनके द्वारा कदम अपने पीछे तो नहीं हटा लिए जाएंगे? नहीं, कभी नहीं हटाएंगे। अगर इस मंदिर के लिए कोई उंगली भी उठाएगा और हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, हम सब उसके लिए तैयार है। ये थे हमारे साथ कॉलोनी के तालपुरी बी ब्लॉक के रहवासी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना, चूंकि मंदिर निर्माण की अधिकांश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कुछ दिनों या अथवा कहीं कुछ माह बाद ये मंदिर अपने पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ जाएगा। इस दौरान ये जो जिस तरह की ये हाउसिंग बोर्ड द्वारा जिस तरह से नोटिस भेजा जा रहा है, इसे लेकर के यहाँ के स्थानीय रहवासियों को काफ़ी आक्रोश है। हालांकि ये जो ज़मीन है, इसके पूर्व इस ज़मीन पूरी तरह से उपेक्षित थी, इसका एक प्रकार से दुरुपयोग किया जाता था। एक अच्छी पहल करते हुए स्थानीय लोगों द्वारा ये मंदिर बनाने की जो पहल शुरू की गई है वो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन जो हाउसिंग बोर्ड की जो कार्यप्रणाली इसमें कुछ ना हाउसिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली से कहीं ना कहीं संदेह प्रकट होता है। चूँकि अभी इन नागरिकों का ये भी कहना है कि अभी इस मुद्दे को लेकर के वो क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से ही मुलाकात करने जा रहे हैं कल। अब देखना होगा आने वाले समय में हाउसिंग बोर्ड इस मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में आगे क्या कदम उठाता है। हालांकि स्थानीय रहवासियों का कहना है कि मंदिर जो शुरुआत हुई है इसे अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।